खुश भी हूँ और क्या बताऊँ, दुख में भी हूँ कि भाई चला जा रहा है। तो फिर जानते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना कि आज रात लास्ट रात है। चला फिर मुलाकात की हुई सना भाई। तो भाई एकदम खुश है ना, मस्त है, इंडिया जा रहे हो ना? तो भाई चलो जा रहा है अभी भाई मेरा। हाँ तो भाई ये देख लीजिए, ये एग्जिट पेपर है ना, इस पे लाजम साइन करना होता है। ये देख लीजिए, अभी हम लोग का ऑर्डर आ गया है। ये वाला और अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ। खुश हो ना? क्यों नहीं, पैसे। ये देखो पुलिस वाला इधर खड़ा हुआ है, सबका चेक कर रहा है काम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आजमी जी ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी आप लोग ब्लॉग देख ही लिए हैं, बहुत बड़ा मैटर हो गया था भाई। अगर मैं नहीं रहा होता, अगर ध्यान नहीं दिया होता ना, तो यार बहुत ही ज़्यादा ही हो गया था कुछ। चलो खैर कोई नहीं, जो भी होता है यार भाई, बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी देख लीजिए, अभिषेक और बिलाल, और ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि अभिषेक चला गया है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कि गुप्त में रखे थे, क्योंकि हम लोग को ये मालूम था कि भाई ऐसा होने वाला है, कहीं ऐसा ना कि कुछ और हो जाए, उल्टा हो जाए, तो फिर हम लोग को झेलना पड़े। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट करने के लिए, सामान वामान लेना है, इसकी मार्केटिंग कराना है। तो अभी चल के पूरा सामान वामान लेते हैं, बताइए मार्केट में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और देख लीजिए अभी ये इधर बैठा हुआ है, बातचीत हो रही है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ये बिलाल है ना, उसको बता रहा है कि कहाँ कहाँ सस्ती मार्केट है, कैसे कैसे सामान वामान लेना है, तो सब कुछ बता रहा है बिलाल। और चलो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं मार्केट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट करने के लिए, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को कुछ बताते चलता हूँ, कुछ बातचीत है। बहुत ही दुख हुआ है यार, क्या बताऊँ मैं कसम से। चलो बहरहाल जो भी हुआ, मेरे को दुख इस बात का हो रहा है ना यार कि ये महीने का मिड चल रहा है ना, तो अभी अभी आसना को मार्केट भी कराना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या दूँ, अभी वो बाहर है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई अपनी तरफ से मुझे भी कुछ देना है ना। बच्चे हैं अभिषेक के, दो बच्चे हैं, ठीक है, दो या तीन बच्चे हैं, तो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ तो देना है भाई। तो वही सोच रहा हूँ कि क्या दूँ, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो भाई अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग में वहाँ पर लगा दिए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, लुलू में आए हैं हम लोग मार्केट करने के लिए, रियाद में सबसे फेमस मार्केट है। तो अभी हम लोग जाएंगे बाहर, बाहर से थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे, और क्योंकि अभी नाश्ते का टाइम हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद लुलू के अंदर आएंगे, मार्केट करेंगे और सब कुछ दिखाएंगे आप लोग को। और असना भाई, तो भाई एकदम खुश है ना, मस्त है, इंडिया जा रहे हो ना? तो भाई चलो जा रहा है अभी भाई मेरा। हाँ चलो, यही कोई तो नहीं, मैं सोचता था कि दोनों में से एक क्लियर हो जाए, या तो यहाँ पे काम मिल जाए वो भी जल्दी, या तो इंडिया चला जाए वो भी जल्दी। इतना यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल है। या तो भाई इधर रहो तो काम करो, या तो फिर परिवार के साथ में रहो, सबसे बेस्ट है। हम लोग आ गए ऊपर, और यहाँ पे ना बाहर में थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है नहीं, तो फ्राइडे को यहाँ पे रश ज़्यादा रहता है, तो फ्राइडे नहीं है, तो आराम से मार्केट करेंगे हम लोग। जैसा कि देख लीजिए सामने, अभी बिल्कुल कोई रश नहीं है इधर, पूरा खाली है, फ्राइडे है नहीं है ना, इसकी वजह से। तो वहाँ पर चल के अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर नाश्ता करेंगे, वहाँ पर पानी पूरी यही सब बेचते हैं लोग, यही सब हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे, है ना भाई? तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हम लोग को लेना क्या है, क्या मतलब खाया जाए। जैसे कि यहाँ पे पानी पूरी है और सब कुछ लगा हुआ है, पूरी अच्छी खासी मार्केट है, देख लीजिए पूरा अपना इंडिया, मिनी इंडिया जैसे अपना दिल्ली में है ना, बिल्कुल दिल्ली लोग, दिल्ली वाला जैसा फीलिंग आता है यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं बिलाल के ऊपर है, बिलाल क्या बोलता है, क्योंकि उसको बोल रहे हैं क्या खाओगे, तो बिलाल बोल रहा है कि क्या खाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सामने एक होटल भी है, और ये मतलब स्ट्रीट फूड भी है और होटल भी है। तो देखो अभी ये क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता तो पहले करना पड़ेगा भाई। तो भाई ये डिसाइड हो गया है, ये होटल में चलना है, यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये होटल काफ़ी बड़ा है भाई, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल ब्रिज के पास। तो अभी बिलाल जा रहा है सामने, अभी देखो क्या डर करता है। और मेरे को तो खैर पता नहीं भाई मीनू में क्या है क्या नहीं है, अभी बिलाल ही बातचीत करेगा नाश्ते में क्या है, तो देखते हैं अभी। यहाँ पे ना ये देखिए नगेट्स है, और ब्रोस्टेड है, और ये सैंडविच है, ये इनका छोटा सा एक मेनू है। तो फ्रेंड्स जानते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना कि आज रात लास्ट रात है, और कल सुबह में दिसारा में एकदम निकल जाना है। हाँ, तो दिसारा निकल जाना है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी अपना सब कुछ कर लेते हैं, करने के बाद और मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज फ्राइडे नहीं है ना, आप लोग को जैसा कि बताया हूँ, तो मार्केटिंग हम लोग को बहुत जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, क्योंकि जाके सोना भी है, क्योंकि 3 बजे हम मेरे को लेके जाना है इसको एयरपोर्ट। ठीक है, तो भाई अभी क्या होगा ना कि अभी मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ ये ब्रोस्टेड, तो ये होगा कि चलो ठीक है ब्रोस्टेड हम लोग खाते हैं, क्योंकि ये भाई के पास ना सिर्फ 4 ही आइटम है मेनू में,
तो ये सबसे अच्छा है, फेमस है इनका, तो यही लेंगे। लीजिए भाई पैसा। तो चलिए भाई, ये हो गया हम लोग का फतूरा और ये पेमेंट और इनवॉइस मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो भाई देख लीजिए, अभी हम लोग यहाँ बाहर थे ना, यहाँ बाहर पे देख लीजिए पूरा, ये लोग पानी पूरी बेच रहे थे ना, अभी देखिए पुलिस वाला गाड़ी बाहर लगा है, और ये देख लीजिए पूरा आदमी लोग खाली हो गए इधर से। ये देखो पुलिस वाला इधर खड़ा हुआ है, सबका चेक कर रहा है कामा, और वो आदमी वीडियो बना रहा था, उससे पूछा कि वीडियो क्यों बना रहा है। तो देखो अभी जैसे ही पुलिस वाला गया है ना, ये देख लीजिए अभी पूरा दुकान आके ये लोग लगा रहे हैं ना। देखिए अभी आदमी लोग आ रहा है दुकान लगाने के लिए, ये देख लीजिए भाई आके लगा रहा है। जस्ट अभी भाई कितना रश था इधर, कितना ये लोग पानी पूरी बेच रहे थे रास्ते में, अभी दो मिनट में सब गायब हो गए। तो भाई ये देख लीजिए अभी हम लोग का ऑर्डर आ गया है, और ब्रोस्टेड है दो, पानी है तीन, क्योंकि हम लोग तीन हैं तो हम लोग दो ब्रोस्टेड ले लिए थे। और ये ना, और ये ब्रोस्टेड ना मैं कभी ट्राई नहीं किया था ये होटल पे, जो कि हम लोग नियत करके आए थे वहाँ से पानी पूरी खाने के लिए, लेकिन पानी पूरी नहीं खाए, ये हुआ कि चलो अंदर ही होटल में खाते हैं। तो देख लीजिए भाई बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है ब्रोस्टेड, बहुत ही अच्छा है, और उधर असना भी है और इधर बिलाल है। तो भाई अभी हम लोग खाना पीना खा लिए हैं, ठीक है, नाश्ता हम लोग का हो गया है, नाश्ता हम लोग कर लिए, लेकिन ये होटल, ये जो होटल था ना इसका सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो बिलाल था ना कुछ चीज़ जो कम पड़ गई थी, तो बिलाल ऑर्डर किया तो बोल रहा है उधर सबके सामने ही पहले पैसा दो, तो यार ये कौन सा तरीका है। तो अभी हम लोग जाके काउंटर पर कंप्लेन किया, लेकिन कंप्लेन करना इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कंप्लेन किया भाई अगर तुमको चाहिए तो बोलो, जाओ इनवॉइस कटा के लेके आओ या काउंटर पे जाओ, लेकिन ये पहले पैसा क्यों दो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लुलू में, अभी सीधा सामान लेंगे असना का, क्योंकि नाश्ता पानी सब कुछ हो गया हम लोग का बहुत ही अच्छा, और अभी सिर्फ सामान लेना, और ज़्यादा सामान नहीं लेना उसको, थोड़ा सा ही सामान लेना है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन सामान को पैक करना है, यानी बहुत ज़्यादा काम नहीं है लेकिन टाइम नहीं है, वक्त नहीं है हम लोग के पास, है ना, तो वो चीज़ हम लोग को अरेंजमेंट पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। और रात में मेरे को एयरपोर्ट भी लेके जाना है इसको, तकरीबन 3 बजे मेरे को एयरपोर्ट पे लेके जाना है इसको, ठीक है। ये बिल्कुल हम लोग लुलू के गेट पे हैं, देख लीजिए ये सामने, और जा ही रहे हैं अंदर अभी। तो यहाँ पे ना एक मंजन था, ये बहुत ही ऑफर में लगा है, बहुत ज़बरदस्त, तो बताते चलता हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए 13 रियाल का है, ये एक सिंगल पीस ना 5 रियाल का मिलता है, तो इसमें 4 पीस है, है ना, इसमें 4 पीस है, ये हम लोग को पड़ गया 12 रियाल का, 13 रियाल का। तो अभी चल रहे हैं हम लोग आगे बैग लेने के लिए असना का बैग, देखते हैं इसको कौन सा पसंद आता है। तो भाई यहाँ पे ना काफ़ी सारा बैग लगा हुआ था, तो कब से हम लोग पसंद कर रहे थे, तो इसमें हम लोग को ना यही एक ही पसंद आया है, तो हम लोग को ना ये वाला पसंद आया है, ये देख लीजिए ये वाला कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो भाई देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा परफ्यूम था, बॉडी स्प्रे, तो हम लोग एक ले लिए हैं ये वाला फोग, ये वाला, और एक ब्लैक भी ले लिए, दो हो गया है। तो भाई इधर ये लोग परफ्यूम पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग इधर एक लिए हैं प्योर ब्लैक करके था, ये लेडीज़ परफ्यूम है, ले लिए हम लोग। तो भाई यहाँ पे ना ये सब टांगी हुई के तेल क्या क्या रहता है, बाम, तो हम लोग इधर दो बाम ले लिए हैं और एक ये ओमेगा ले लिए हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग ना यहाँ पे शैम्पू देख रहे थे, तो एक डॉब का शैम्पू हम लोग लिए हैं, ठीक है, अभी चल कर डालते हैं उसमें। तो भाई ये है ना गोदरेज की आती है क्रीम ठंडी में लगाने के लिए, तो ये हम लोग ले लेते हैं 2 पीस, ठीक है। हम लोग ना एक ये वासलिन है, अभी ठंडी आ रही है ना, तो एक वासलिन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई अभी हम लोग काउंटर पे आ गए हैं, अभी सब ये पेमेंट कराते हैं यहाँ से। तो भाई ये बैग हम लोग को पसंद आया था ना, यही बैग हम लोग लेके जा रहे हैं। हम लोग चले गए थे उधर सामने लुलू था, उधर गए थे कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करके आए तो भाई सस्ता है ये, ठीक है। अभी हम लोग ना ये इसके अंदर से लुलू से चॉकलेट ले लिए थे, एक ये 1 kg का है इसमें, और एक ये छोटा सा है, बाकी और बाहर से अभी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे मार्केट करके, अभी सब कुछ हो गया है, मार्केटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, और अभी पैकिंग किंग करना है हम लोग को, तो अभी रूम पे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, पूरा सामान फैला हुआ है, तो हम लोग पैकिंग करेंगे अभी। ये देख लीजिए भाई, और अभिषेक है अपना सब कपड़ा वपड़ा सब कुछ तरकीब कर रहा है, और ये सब सामान है हम लोग मार्केटिंग करके लेके आए हुए हैं, और ये कपड़ा है, कपड़ा रख के अभी पैकिंग कर रहे हैं, और देखिए अभी और भी सब उसका सामान है पुराना जो, वो भी सब निकाल उकाल रहा है, और सब पैकिंग किंग करना है अभी। और 3 बजे एक बहुत ही बड़ा पोपट हो गया था, मालूम क्या हुआ, मैं रूम के पास गाड़ी लेकर खड़ी किया, ठीक है, उसके बाद में दिमाग में आया, अरे यार भाई अगर मैं इधर खड़ी कर दिया गाड़ी तो सुबह में ना निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रात में मेरे को 3 बजे निकलना है इसको एयरपोर्ट लेके जाना, क्योंकि एयरपोर्ट से मुझे आके फिर ड्यूटी जाना है, और अगर मैं नहीं आ पाया ना तो ये 4-5-6 बंदे हैं इधर, मतलब वो लोग भी सो जाएंगे, तो फिर ड्यूटी फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो भाई फिर क्या काम किया, गाड़ी को वापस किया, लेके गया दूसरी जगह पर खड़ी किया, भाई 1 घंटा लग गया इधर नीचे मेरे को, तो एक बहुत बड़ा पोपट हो गया था, उससे बच गया ये,
नहीं तो फिर ये होता सुबह में किसी टैक्सी वाले के पास कॉल करो, फिर आओ, वो 100 रियाल लेता, तकरीबन इंडिया का 2,200 रुपया लेता, फिर लेके जाके वो एयरपोर्ट छोड़ता। चलो खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी सामान वामान पैकिंग हो रही है, तो अभी से कैसा लग रहा है इंडिया जा रहे हो? बस इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता था, है ना? इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता था, दिल में तो था जो भी हो बस जल्दी हो। मैं पहले भी बोलता था, बिल्कुल बिल्कुल, इधर काम मिल जाए बस जल्दी, इसीलिए हम लोग नहीं बता रहे थे। इंडिया चले जाए वो भी जल्दी, वो भी जल्दी, बस ऊपर वाले के दया से ये वाला और अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ। खुश हो ना? क्यों नहीं, पैसा तो जीवन भर जीवन भर कमाना, सही बात। घर पे जाऊंगा अभी तो अभी बैठ के थोड़ी खाऊंगा। सही बात है, हाथ पाँव सलामत है, बिल्कुल। और क्या यार, और क्या, बस भिंडी बिया बड़की मोटकी वाली। तो भाई देख लीजिए, अभी ये सब सामान वामान पैक हो गया है, अभी हम लोग इसको ना लिब्रेशन करेंगे। ये जो बैग है ना, इसको प्लास्टिक से लिब्रेशन कर देंगे, और इसका इधर हैंड बैग है, और जूता उता है इसके अंदर डाल देंगे, और बाकी कुछ सामान वामान नहीं है। कितना है अभिषेक? 20 किलो। हाँ 20 किलो कमी होगा, लेकिन बैग छोटा हो गया ना। तो यार देखो, ये एक बैग था ना अभिषेक का, ये तो ये ना हम लोग हैंड बैग नहीं लिए, तो हम लोग इसको हैंड बैग बना रहे थे, तो ये अभिषेक उठा के लेके आया था। जब शॉपिंग कर रहे थे ना तो याद नहीं आया, तो ये सही नहीं है, खराब भी दिख रहा है। तो अभी एक बिलाल का ये हैंडबैग था, ये हुआ कि भाई ये हैंडबैग खाली रखा था, ये हुआ खराब। भाई पूरा सामान निकाल के इसमें डालते हैं, इसको लेके जाओ घर। और देखो भाई मस्त है ना, बहुत बढ़िया है। और अभिषेक इसलिए नहीं ले रहा था ना, ये डर रहा था कि कहीं सामान ज्यादा ना हो जाए। हाँ वही, तुम बहुत पहले से बोल रहे हो कि मैं हैंडबैग नहीं लूंगा क्योंकि सामान ज्यादा है और नहीं आएगा, मेरा जो बैग है बहुत बड़ा, इसलिए तुम नहीं ले रहे थे ना। हाँ तो लेकिन अभी देखो ये हुआ कि अभी है ना, ये काफी बड़ा दिख रहा है, इसकी वजह से ना तो ये हुआ कि नहीं भाई, मतलब वो लोग ना एयरपोर्ट पे बोलेंगे नहीं निकालो कपड़ा सब, ये सब फेंको, तो इससे बेहतर है जो स्टैंडर्ड वाला ना उसमें रख देते हैं, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, है ना अभिषेक? तो भाई ये देख लीजिए, ये एग्जिट पेपर है ना, इस पे लाजिम साइन करना होता है, तो अभी अभिषेक इस पे साइन कर रहा है। तो ये देख लीजिए भाई, अभी अभिषेक है साइन कर रहा है, इधर इधर करना, इधर इधर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी सुबह हो गई है, अभी आप लोग को मैं टाइम में दिखाता हूँ टाइम कितना हो रहा है। देख लीजिए 3:54 हो रहा है, 4 बज गया यहाँ पे, इंडिया में 6:23 हो रहा है। देखिए मैं ये बोल रहा था, रात में जो गाड़ी खड़ी किया था ना यहाँ पे खड़ी किया था, मैं सोचा था कहीं ऐसा ना कि रात में निकलने के टाइम कोई लेके आए कि इधर गाड़ी खड़ी कर दे, फिर निकलना बहुत मुश्किल आएगा। तो अभी मैं निकला हूँ, जा रहा हूँ गाड़ी लेकर आ रहा हूँ इधर, आप लोग को दिखाता हूँ मैं गाड़ी कहाँ पार्क किया था। डर लग रहा है भाई, इतना रात को मैं कभी बाहर नहीं निकला था, है ना भाई? उधर बीच में एक JCP वाला के रोड क्लोज कर दिया है, ये देखिए मैं सामने यहाँ पे गाड़ी खड़ी किया था अपनी। तो अभी निकल गया हूँ मैं भाई, यार सोया नहीं कसम से, हम लोग मात्र, मैं बिलाल और अभिषेक तीनों आदमी मात्र मेरे ख्याल से 2.5 घंटा हम लोग सोए होंगे, 2 से 2.5 घंटा। और मेरे को एलर्जी भी पकड़ लिया स्टार्ट हो गया, आज पूरा दिन भर मैं परेशान रहूँगा। जो लोग ऊपर है सामान लेके आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे करूँगा, थोड़ा सा गर्म होने देता हूँ, लेके चलते हैं एयरपोर्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, है ना भाई? खुश भी हूँ और क्या बताऊँ, दुख में भी हूँ कि भाई चला जा रहा है। चलो कोई नहीं भाई, जो भी हो रहा है ऊपर वाला जो भी करता है बहुत ही अच्छा करता है भाई। तो भाई अभी हम लोग आ गए एयरपोर्ट, और देख लीजिए अभी अभिषेक है बैठा है सामने, और ये सामने एयरपोर्ट है भाई, ये देख लीजिए आ गए एयरपोर्ट, फिर डिग्गी में से सामान वामान निकाल रहे हैं, और ये लाइन ना बहुत ही लंबी लगी है यार, बहुत ही ओवर लाइन लगी है। तो ये देखो भाई लाइन ना बहुत ही लंबी लगी है, अभी उसको लाइन लगाना होगा वहाँ से यहाँ तक, और यहाँ हम लोग ना रुक नहीं सकते हैं क्योंकि ये पुलिस वाले ना बार बार दौड़ते रहते हैं, तो रुक नहीं सकते हैं इधर हम लोग, ये अन पार्किंग है। तो अभी इसको छोड़ के इधर से बस निकलेंगे हम लोग, ठीक है? चलो ठीक है, ट्रॉली उली ले लिया, और देखा जाए कोई लाइन लगा ना, पूछ ला इंडिगो, चल अभी से जल्दी करा, अभिषेक को बैठा दिया हूँ। तो चलो भाई अभी हो गए हैं, ठीक है अभिषेक को छोड़ दिया हूँ भाई एयरपोर्ट पे, और अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि ये पुलिस वाले है ना बहुत तंग करते हैं ना। तो वो देखो सामने वो जा रहा है अभिषेक, ये इधर है बहन, और ये लाइन ना बहुत ही लंबी लगी है भाई, क्या ही मैं बताऊ। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को मैं इतना ही नहीं करूँगा, और दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों? चलो आज मेरा एक दोस्त भी चला गया, कोई नहीं आएगा फिर दोबारा, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए